अगर मैं फहद के साथ शादी कर लूंगी तो फिर अम्मी का क्या होगा? मैं अम्मी को असगर के साथ भी नहीं छोड़ सकती और वो मेरे साथ भी नहीं रहेंगी, क्योंकि वो कभी दामाद के घर रहने पर राजी नहीं होंगी। लेकिन फहद को तो अम्मी अपना बेटा कहती हैं, तो उसके साथ तो वो रह ही लेंगी। नहीं, कहने से क्या होता है, होगा तो फहद उनका दामाद ही ना। अगर कल को उसने भी अम्मी के साथ बुरा सलूक किया तो या अल्लाह, अजीब उलझन है। एक तरफ फहद की मोहब्बत हाथ फैलाई कह रही है कि मेरा हाथ थाम लो, तो दूसरी तरफ मेरे फराइज मेरा दामन थामे खड़े हैं। समझ नहीं आता, करूं तो क्या करूं? मलिया, फर्ज और मोहब्बत की जंग में हमेशा जीत फर्ज की ही होती है, इसलिए तुम्हारे लिए भी सबसे पहले तुम्हारे फराइज हैं और फिर मोहब्बत है। ये सब तो तुम्हें बहुत पहले सोचना चाहिए था। अपनी ख्वाहिश के पीछे तुमने अपनी माँ के बारे में भी नहीं सोचा कि इस उम्र में तुम अपनी माँ की इज्जत को अपने पैरों तले रौंद रही। एक बार भी तुम्हें ख्याल नहीं आया कि जब दुनिया वालों को यह पता चलेगा कि तुमने भागकर शादी की है तो तुम्हारी बहनों का क्या होगा? कौन पूछेगा इन्हें? कौन करेगा इनसे शादी? बगैरती और खुदगर्जी में कोई सफाई नहीं होती फैजा, वो सिर्फ दिखाई जाती है, जैसे तुमने दिखाई। अपना ये सारा सामान उठाओ और चली जाओ यहां से। देखो फैजा, मैंने भी अपनी फैमिली को हर्ट किया था, लेकिन क्या उन्होंने तुम्हें नहीं अपनाया? एक दफा तुम्हारी सारी गलतियों को माफ करके उन्हें कम से कम तुम्हें मिलने के लिए बुलाना चाहिए था, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। देखो फायदा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं, लेकिन मैं अपनी जगह कायम हूं कि तुम उनसे नहीं मिलोगी। ये मेरी तरफ से तुम पर पहली और आखिरी बार होगी। तुम अभी तक नहीं सोई? ऐसे बस नींद नहीं आ रही थी। रो रही हो? नहीं। अब क्या तुम मुझसे भी झूठ बोलोगे? बताओ क्या हुआ? नमान, क्या मैं अम्मी से मिलने जा सकती हूँ? प्रॉमिस, बस एक दफा जाऊंगी और उन्हें खुशखबरी देके वापस आ जाऊंगी। प्लीज, मैं वादा करती हूँ कि कभी दोबारा जिद नहीं करूंगी वहां जाने की। फैसला, तुम्हें याद है तुम्हारी अम्मी ने तुम्हारी बहनों के सामने एक ऑप्शन रखा था कि उनमें और तुम में से किसी एक चीज को चूज करना है। आज वही ऑप्शन मैं तुम्हारे सामने रखता हूं। या तो तुम अपनी माँ को चुन लो या तो मुझे। तुम क्या कह रहे हो? वही
जो तुम सुन रही हो। बस इसी शर्त पे तुम वहां जा सकती हो। क्या सोच सोच के इस तरह मुस्कुराया जा रहा है, हमें भी पता चले। सरप्राइज है तुम्हारे, वक्त आने से पता चल जाएगा। कहीं ये सरप्राइज ऐसा तो नहीं कि हमारे दरमियान कोई रकीब आ रहा है? हाँ, कुछ ऐसे ही समझ लो। कम ऑन यार किंजा, पहेलियां मत बुझवाओ, बता दो ना क्या सरप्राइज है। कहा ना, वक्त आने पे पता चल जाएगा। बीबी जी नाश्ता लगाती है। ठीक, चलो नाश्ता कर ले, ठंडा हो जाएगा, आ जाना। ये किस सरप्राइज की बात कर रही है? ज़ैन आ जाओ, नाश्ता ठंडा हो जाएगा। जी मामा, आपने बुलाया मुझे? हाँ बेटा, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी थी। ये बताओ कि तुम फायजा को लेके डॉक्टर के पास गए थे तो क्या कहा उसने? मॉम, फायजा प्रेग्नेंट। क्या, इतनी बड़ी खुशखबरी और तुम दोनों ने मुझसे छुपा ली, बताया तक नहीं। मॉम, ये हमारी खुशी है और आपको हमारी खुशियों से क्या मतलब, इसीलिए मैंने आपको बताना जरूरी नहीं समझा। तो मान बेटा, ये तुम क्या कह रहे हो, दादी बनने से बड़ी और मेरे लिए क्या खुशखबरी हो सकती है? मॉम आप शायद भूल गई हैं, ये फायसा का बच्चा है जिसे आप अपनी बहू नहीं मानती, जिसे आप अपने घर से निकालना चाहती। लेकिन आप फिक्र ना करें, मैं बहुत जल्द उसको यहाँ से लेकर चला जाऊंगा। क्या मतलब है लेकर चला जाऊंगा? मॉम मतलब ये कि मैंने अपार्टमेंट देख रखा है और आज मैं उसे डन करने के लिए जा रहा हूँ। मां तुम अपना घर छोड़कर चले जाओगे? जी मामा, मजबूरी है क्योंकि मुझे अपने बच्चे की जिंदगी ज्यादा अजीज है। तो इस घर में कौन है तुम्हारे बच्चे का दुश्मन? लेकिन फायजा का तो है ना मॉम, डॉक्टर ने फायजा को स्ट्रेस लेने के लिए मना किया है जो कि इस घर में रहते हुए नामुमकिन। नहीं नुमान, तुम ऐसा नहीं कर सकते, मेरी बहू को और होने वाले पोते को नहीं लेके जा सकते। मामा, इस घर में नहीं रखने का फैसला आपका था फायजा को, अब अगर फायजा यहाँ पर रहती है तो ये फैसला भी फायजा को ही करना होगा। क्या हुआ, क्या कर रही है? सब्जी बना रही हूँ, घर पे गोश्त खत्म हो गया तो सोचा आपके लिए सब्जी बना लूं। सब्जी बना रही है, चलो आज सब्जी खा लेंगे।
सब्जी भी तो इंसान ही खाते हैं, क्यों हैं? क्या हो गया, डर क्यों रही है? श्योर हूं तेरा कोई भेड़िया नहीं जो तुझे चीर फाड़ दूंगा, है ना? ये ले पकड़ पैसे। गोश वगैरह जो तेरा दिल करे ना वो ले आना, हैं? क्या हैरत से क्या देख रही है? ते पैसे कहां से है? तेरी बहन से लिए। क्या? और नहीं तो क्या? तो मुझ पे ऐसे शक करी जैसे मैं इतना बेगैर हूं, तो मैं उस लड़की से पैसे मांगूंगा जो उस शख्स से शादी कर रही है जो मेरी बीवी को पसंद करता था, हैं? नहीं, वो मैंने ऐसा कुछ नहीं समझा, लेकिन वो आप कहीं नौकरी नहीं करते थे इसलिए सोचा कि कहां से आए इतने पैसे। अबे मैं कोई गधा हूँ जो नौकरी करूंगा? नौकरी तो गधे करते हैं। मैं अपने दिमाग का इस्तेमाल करता हूँ, दिमाग का, और पैसे कमाने के लिए ना नौकरी करने की जरूरत नहीं होती। मेरे दिमाग की कमाई है ये, दिमाग की। तू बस आम खा, आम पेड़ में खुद गिन लूंगा। वैसे तूने अपनी माँ से बात की? उसने उस बेशरम फाहद से मलिया का रिश्ता जोड़ दिया जिसने तेरे साथ ऐसा किया, हैं? नहीं, क्योंकि वो उनके घर का मामला है। वो मुझे किसी के घर के मामले में दखलंदाजी करना बिल्कुल पसंद नहीं है। बहुत अच्छा करती है भाई, बहुत अच्छा करती है। किसी की जिंदगी में दखलंदाजी नहीं करती, ऐसे ही करना चाहिए। अबे अगर मुझे पता होता ना कि फहद इतना अमीर कबीर आदमी है तो कसम से मैं उससे कभी भी लड़ाई नहीं करता। लेकिन तू परेशान ना हो, टेंशन मत ले। अब तेरी बहन और फहद की शादी मैं खुद कराऊंगा, वो भी धूमधाम से, हैं? चल बना सब्जी, सब्जी खाएंगे आज। लेटी रहो बेटा, क्यों उठ रही हो? कैसी तबीयत है तुम्हारी? बस ठीक हूँ मामा। कहाँ ठीक हो, चेहरा देखो कितना उतर गया है तुम्हारा, और कमजोर भी लग रही हो। नहीं सलमा, जूस नहीं पीऊंगी, ले जाओ। जूस तो तुम्हें पीना होगा, ये मैंने खास तौर से तुम्हारे लिए बनवाया है। सलमा, तुमने फैजा बीबी के लिए सूप चढ़ा दिया? जी बेगम साहब। और देखो आज से जो भी स्पेशल खाना बनेगा ना इनके लिए, मैं खुद तुम्हें बताऊंगी। जी ठीक ठीक है, अब तुम जाओ, लो ये पियो। ऐसा बेटा, ऐसे मुझे बहुत दुख है एक बात का कि तुमने और नुमान ने इतनी बड़ी बात मुझसे छुपाई और मुझे एकदम गैर बना दिया। नहीं मामा, मैंने आपको बताना था लेकिन नुमान ने मुझे मना किया था बताने से। वैसे नुमान भी ठीक है अपनी जगह, क्योंकि आज तक जो मैंने तुम्हारे साथ सुलूक किया उसमें तो उसका ये करना जायज था। देखो बेटा, तुम नुमान को समझाओ कि वो हमें छोड़ के ना जाए। मैं उसके बगैर नहीं रह सकती हूँ, मैं तुमसे माफी मांगती हूँ, मुझे माफ कर दो। अरे मामा, ये क्या कर रही हैं आप मुझसे बड़ी हैं, मुझसे माफी तो ना मांगे। हाँ बेटा, मैं बड़ी जरूर हूँ, लेकिन कोई भी काम मैंने बड़ों वाला नहीं किया। और अब तो मुझे इतनी बड़ी खुशखबरी देने वाली हो, मैं सब कुछ भूल गई हूँ, तुम भी सब भुला दो। जी जी मामा, मैं भी सब कुछ भूल चुकी हूँ, और आप बिल्कुल परेशान ना, हम कहीं नहीं जा रहे। फैसा बेटा, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी, अब मैं जाके सबको खुशखबरी सुनाती हूँ। चलो शुक्र है, मेरे बच्चे को नानी का नाम से ही दादी का तो प्यार मिल ही जाएगा। ठीक है अम्मी, मैं जा रही हूँ। अम्मी, अम्मी मलिया, अम्मी
अम्मी लिया? अम्मी क्या हुआ? आप ये बहुत जोर से लगी है। कभी भी सलीके से नहीं चल सकती ना तुम। हाँ लगा चोट लगवा ली। हाँ बहुत पेन हो रही है मुझे। इधर बैठो इधर आके। कहाँ लगी? शुक्र सर पे नहीं लगी वरना। मलिया क्या हुआ? आप ही कब तक आप अपनी छोटी बहन से नाराज रहेंगी? जब तक जिंदा हूं मैं। मैं नाज बेटा अपनों से इस तरह इतने दिन नाराज नहीं रह सकते। और अब तो मलिया की शादी। शादी भी होने वाली है ना। जानती हूँ आप लोगों ने तो बताना पसंद नहीं किया लेकिन मुझे पता चल गया। नहीं बेटा मैं तो खुद आने वाली थी तुम्हें बताने के लिए लेकिन तुमने ही तो मना किया था कि हम तुम्हें तंग ना करें बस इसलिए नहीं आई। आप ही आप गलत मत समझें मेरी या फाहद की नीयत बुरी नहीं थी। हम तो बस आपको असगर से बचाना चाहते थे। आयशा ने मुझ पे गुस्सा निकालने के लिए आपको मुझसे बदगुमान कर दिया है। आयशा को क्यों बीच में ला रही हो? मैं तो अपनी माँ से शिकायत कर रही हूँ। मुझ पे भरोसा तक नहीं रखा आपने। ऐसी बात नहीं है मैंने। ऐसी ही बात है अम्मी। आपने सोचा कि मलिया तो मजबूत लड़की है फहद के बगैर तो आसानी से रह लेगी। हाँ लेकिन मुझे मुझ पे तरस खा के कि असगर के साथ तो गुजारा कर ही नहीं पाएगी तो इसने फहद के साथ रिश्ता जोड़ दिया। एक दफा ये नहीं सोचा कि जिस लड़की को खुद पे तरस खाना सबसे ज्यादा नफरत है अगर उसके सामने ही सच्चाई आएगी तो उसको कितना बुरा लगेगा उसका कितना दिल टूटेगा उसको कितनी तकलीफ होगी। बेटा तुम हमारी नीयत पे शक मत करो। हम तो बस तुम्हारा भला चाहते थे तुम्हारा अच्छा सोचते थे बस। अगर अच्छा चाहते होते ना अम्मी तो भरोसा करते मुझ पे और असगर से शादी करवाते और मुझे चैलेंज देते कि मैं इसको सुधार के रख सकती हूँ ना कि किसी की खैरात करने का सोचती। भरोसा तो रखती अम्मी मुझ पे कि मैं अपने शौहर को बदल सकती हूँ। ये देखे ये आज मेहनत करके वो ये पैसे लेकर आया ऐसा ऐसा मेरी मोहब्बत असगर को बदल रही है। आज मेहनत करके ये पैसे लेकर आया पैसे दिए मुझे घर चलाने के लिए। देखिएगा और मेहनत करेगा और एक दिन मुझे इस घर से भी ले जाएगा। आप लोगों ने जितना अच्छा करना था ना मेरे साथ कर लिया। अगर अब दिखाऊंगी मैं असगर मेरा शौहर ना ही बुरा इंसान है और ना ही मैं कमजोर औरत समझी तुम। Thank you.
मामा प्लीज कोई सवाल मत कीजिएगा और इस चेक पर साइन कर दे। क्या ये इतनी बड़ी रकम, क्या करोगी तुम इसका? 1 करोड़ है ये। मुझे नहीं, वो जैन को चाहिए थे। जैन को क्यों? मामा एक प्रोजेक्ट है, उसमें उसे छोटी सी इन्वेस्टमेंट करनी है, चाहिए प्लीज कर देना साइन। तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया है केंजा? ये 1 करोड़ है, कोई 2-4 लाख रुपए नहीं है कि मैं तुम्हारी खुशी की खातिर जैन को दे दूं ऐसी उड़ाने के लिए। मामा क्या मतलब है आपका? आपको जैन इतना नालायक लगता है कि आपको लगता है कि वो पैसे जाया कर देगा? पापा की एब्सेंस में वो जो पूरे ऑफिस को संभालता है उसका क्या? इसमें जैन का कौन सा कमाल है? दफ्तर में जो सीनियर ऑफिसर्स हैं हर वक्त उसकी मदद करते रहते हैं, उसको सिखाते रहते हैं। और दूसरी वजह जो उसके आगे बढ़ने की, तुम्हारे रिश्ता है, तुम्हारे रिश्ते की वजह से सब पूछते हैं उसको। मामा जो भी है, मैंने जैन को प्रॉमिस कर चुकी हूँ कि मैं ये आपसे साइन करवा करूंगी, इसलिए प्लीज कर दें साइन। और किस बिजनेस में मेरा कोई शेयर नहीं है ना, तो बस ये समझ के दे दे मुझे। शट अप किंसा, होश में हो तुम? कैसी बातें कर रही हो ये? तो मामा मैं क्या करूं? जिस सिचुएशन में मैं हूं, मैं जैन को इग्नोर नहीं कर सकती। मेरी एक कमजोरी ने उसके सामने मुझे बहुत कमजोर बना दिया। हर वक्त डरती रहती हूँ अगर उसको सच पता चल गया तो कहीं वो मुझे छोड़ ही ना दे। तुम्हें अब उसकी फिक्र करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने उस मसले का हल निकाल लिया है। लेकिन जब तक वो हो नहीं जाता, मैं उसको नाराज नहीं कर सकती हूँ। पता नहीं जब उसे सच पता चलेगा वो कैसे रिएक्ट करेगा। चलो ठीक है, इस दफा तो मैं साइन कर देती हूँ ये चेक, लेकिन आइंदा के लिए जैन से कह देना कि वो कभी तुम्हें ढाल बनाकर अपना इस किस्म के फजूल काम ना निकलवाए। मामा मैं आपको बता रही हूँ, उसका ये वाला प्लान अगर सक्सेसफुल चला गया ना, उसको किसी से भी पैसे मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इनफैक्ट आपके पैसे भी वापस कर देगा वो। ये लो। थैंक यू। करी ना दे वापस। सीरियसली यार, बीवी हो तो तुम जैसी, मानते हो कि नहीं? बिल्कुल मानता हूँ, और मुझे पता था कि अगर मुझ पे कोई ट्रस्ट कर सकता है ना, वो सिर्फ तुम। देखो ये मैंने मामा से बहुत लड़ झगड़ के और उन्हें ये प्रॉमिस करके लिया कि बहुत जल्द उन्हें लौटा दोगे, प्लीज अब मुझे झूठा मत पड़ने देना। कभी भी नहीं, तुम देखना, मुझे मुझे सिर्फ इसी तरह के एक चांस की जरूरत थी अपने आप को प्रूव करने के लिए। और अब देख लेना कि तुम्हारी मामा को जैन पे फखर होगा। अच्छा तुम पे पूरा यकीन है जैन? चलो इसी बात पे फिर कहीं बाहर चलते हैं। हाँ मैं अभी रेडी होकर आती हूँ। हेलो सुनो। थैंक यू सो मच। क्या हाल है फैजा? मामा ठीक हूँ, बस पैरों में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। अरे वो तो इसलिए हो रहा है ना कि तुम ठीक से कुछ खाती पीती हो नहीं। ये बताओ तुम्हारा अगला अपॉइंटमेंट कब है? वो तो मुझे नेक्स्ट वीक जाना है नुमान के साथ। ठीक है, अब जब तुम जाओगी ना, मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगी। सलमा तुम जाके फैजा बीबी के लिए फल लेकर आओ। जी जी। और ये तुमने खबर अपनी अम्मी को दी? नहीं मैंने तो कुछ नहीं बताया उनको अभी तक। अरे तुमने, बेटा तुम्हें सबसे पहले अपनी अम्मी को बताना चाहिए था ना, तुम्हारी माँ है वो, उनका हक है, वो भी तो पहली मर्तबा नानी बन रही है। नुमान को नहीं पसंद कि मैं अपने घर वालों से मिलूं, इसलिए उसने मुझे मना कर दिया उनसे मिलने से। ओहो तो तुम्हें नुमान को हर बात बताने की जरूरत क्या है, बस तुम चुपके से उनको फोन करके बता देती
और देखो ये ऐसा मौका है कि वो पुरानी सारी शिकायत भूलकर तुम्हारे पास दौड़ी चली आती। बेटा तुम्हारा भी तो दिल चाहता होगा उनसे मिलने का। जी लेकिन मामा। लेकिन वेकिन कुछ नहीं, तुम उनको फोन कर कर बताओ, बल्कि तुम फोन भी छोड़ो, खुद जाकर इत्तला दोगी तो वो तुम्हें देखकर खुश होंगी। नहीं नहीं मामा, मैं नहीं जा सकती हूँ, नुमान को पता चलेगा तो वो खफा हो जाएगा मुझसे। फिर क्यों नहीं जा सकती बेटा, मैं तुम्हारे जाने का सारा इंतजाम करूंगी, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा, बस तुम जाने की तैयारी करो। फैसा बेटा मुझ पर भरोसा करो, मैं किसी को कुछ पता नहीं चलने दूंगी और मैं सारा इंतजाम कर दूंगी तुम्हारे जाने का। तैयार हो गई तो चलें। अच्छी नहीं लग रही मैं? बहुत अच्छी लग रही हो। तो तारीफ क्यों नहीं करते? मेरी बीवी है ही इतनी खूबसूरत, तारीफ की जरूरत ही नहीं है उसे। प्यार करते हो तुम उससे? हाँ, तुम क्यों पूछ रहे हो, कोई शक है तुम्हें? शक तो नहीं है, मगर अगर कोई इम्तिहान लेना चाहूं तो दे दोगे? एग्जाम पेपर थोड़ा आसान बनाना, वरना फेल हो जाऊंगा मैं। उठा लो ना कॉल। नहीं नहीं, नॉट इम्पोर्टेंट, अभी तो अपनी बीवी को टाइम दे रहा हूं। चले ओहो, तो तुम्हें नुमान को हर बात बताने की जरूरत क्या है, बस तुम चुपके से उनको फोन करके बता देती। और देखो ये ऐसा मौका है कि वो पुरानी सारी शिकायत भूलकर तुम्हारे पास दौड़ी चली आती। बेटा तुम्हारा भी तो दिल चाहता होगा उनसे मिलने का। जब मम्मा मुझे खुद कह रही हैं कि मुझे एक बार अम्मी के पास जाना चाहिए, तो मैं एक बार वहां जरूर जाऊंगी। मैं अम्मी के चेहरे पर अपनी औलाद आने की खुशी अपनी आंखों से देखना चाहती हूँ। अम्मी आप ही तो मुझसे बिल्कुल ही नफरत करने लग गई हैं। मैं इतनी कोशिश करती हूँ कि उनके दिल में अपनी जगह बना लूं, लेकिन हर बार की तरह नाकाम हो जाती हूँ। हाँ तो बेटा, जब तुम उससे हर बात छुपाओगी तो उसका दिल तुम्हारी तरफ से कैसे साफ होगा? मैंने क्या छुपाया आप ही से? पैसों वाली बात, अगर पैसों वाली सच्चाई तुम मुझे बताने देती तो उसका दिल तुम्हारी तरफ से ठीक रहता ना। अम्मी हो सकता है मेरे बताने पे वो मेरे साथ ठीक हो जाती, लेकिन उनका भरम तो टूट जाता ना जो वो असगर की वजह से हमें दिखा रही थी। अम्मी मैं सब कुछ सह सकती हूँ, लेकिन आप ही को मजीद टूटता हुआ नहीं देख सकती। आप तो अच्छी तरह जानती हैं आप ही ने कितनी तकलीफें सही हैं अब तक। तुम दुखी नहीं हो बेटा, मीनास के दिल में मैंने जो तुम्हारे लिए तड़प देखी है ना, उसके बाद मुझे पूरा यकीन हो गया कि उसके दिल में तुम्हारी मोहब्बत खत्म नहीं हुई। और जब तक दिलों में मोहब्बत कायम रहे ना बेटा, तो वापसी का रास्ता मुश्किल नहीं होता। मुझे पूरा यकीन, बहुत जल्द हमारी मेहनास हमारे पास वापस लौट आएगी। मलिया तुम्हारी खाला का फोन आया था बेटा। खाला का फोन? उन्हें कैसे हमारी याद आ गई? पता नहीं, लेकिन वो मुझे ना ठीक नहीं लग रही थी। ये आपको कैसे पता चला? बहुत रो रही थी, कह रही थी कि तुम लोग और खास तौर पे मेहनाज से कहना कि मुझे माफ कर दे। हाँ लेकिन अम्मी खाला ऐसा क्यों कह रही थी? आपने पूछा नहीं कि हुआ क्या है? मैंने तो पूछना चाहा, लेकिन वो टाल गई।
ऐसा लग रहा था जैसे वो कुछ कहना चाह रही है लेकिन कह नहीं पा रही। जाहिर सी बात है अम्मी, उन्होंने जो आप ही के साथ बुरा किया है उसका बदला तो मिलना चाहिए था ना उन्हें। छोड़ो बेटा, हम कौन सा उनका बुरा चाहते हैं। तुम लोगों की खैरियत पूछ रही थी तो मैंने बता दिया, महनाज और फायजा की शादी कर दी है मैंने सादगी से। माशाल्लाह दोनों को रुखसत कर दिया अपने अपने घर। बता दिया आपने? फायजा की शादी का भी बता दिया? हाँ बेटा, ये छुपने वाली बात तो है नहीं, ना भी बताती तो पता चल जाता उन्हें। हाँ ये तो ठीक कह रही हैं आप। वो महनाज की शादी का तो नहीं लेकिन फायजा की शादी में ना बुलाने की शिकायत कर रही थी तो मैंने उन्हें कह दिया। आप भले महनाज और फायजा की शादी पे नहीं आ सकी लेकिन मलिया की शादी पे तो जरूर आएंगे। चले अम्मी, किसी ना किसी बहाने ही सही, कम से कम ये शादी को एक्सेप्ट तो किया आपने। फायजा, मैं अपनी माँ से मिलने आई हूँ। मलिया इसे कह दो इस नाम का इसका यहां कोई रिश्ता नहीं रहता। अम्मी अब बस भी करें, कितना गुस्सा करेंगी आप, फायजा को माफ भी करते हैं अब। अम्मी आप मुझसे इसलिए नाराज थी ना कि मैं अपने लिए कोई गलत फैसला करने वाली हूँ, लेकिन अम्मी आप मेरा यकीन करें, मैंने अपने लिए जो फैसला किया है ना वो बहुत जबरदस्त है। काश कि आप देख पाती कि मैं अपने घर में कितने ठाट बाट से रहती हूँ। काश कि आप देख पाती कि कैसे मेरा शौहर, मेरी सास, मेरा ससुर मेरे आगे पीछे होते। अरे आप ही, शादी की बहुत बहुत मुबारक हो आपको। तुम कब है? मैं तो बिल्कुल अभी आई हूँ। वैसे आपने अपनी शादी में मुझे बुलाया नहीं लेकिन मैं फिर भी देखें आपके लिए तोहफा लेकर आई हूँ। ये देखें, ये सेट देख रही हैं आप, गोल्ड का है। वैसे है तो काफी महंगा लेकिन अंदाजन आप बताएं कितने तक का होगा? जितने का भी हो मुझे क्या, ये चीजें तुम्हारे लिए मायने रखती थी जिनके लिए तुमने अपने रिश्तों को छोड़ दिए। अरे आप भी, आप लोग कौन से पुराने जमाने की सोच के मालिक हैं अभी तक। आपको पता है जब मैं आपके इस दरवाजे पे आके अपनी बड़ी सी गाड़ी में रुकी थी ना और मेरी उस गाड़ी का गेट मेरे ड्राइवर ने खोला था, तो आपके ये जो मोहल्ले वाले हैं ना जो मुझ पर बुरी बुरी बातें बनाते थे, ये सब अपने दरवाजों पे लटके मुझे देख रहे थे। मुझे तो ऐसा फील हो रहा था जैसे पता नहीं मैं कौन सी दुनिया की मखलूक हूँ। तो सोच सोच की बात है, जो चीजें तुम्हारे लिए मायने रखती थी वो तुम्हें मिल गई क्योंकि तुम्हें यही चीजें पसंद थी। खैर मैं चलती हूँ, अजगर के लिए खाना बनाना है। तुम्हारे लिए बस यही दुआ कर सकती हूँ कि हमेशा ऐसे ही खुश रहो। वैसे आप ही, आपका नाराज होना बनता नहीं क्योंकि आपने भी अम्मी के साथ वही किया था जो मैंने किए। नहीं फायजा, तुम में और मुझ में फर्क है। तुमने भाग के शादी की,
जो तुम्हें पसंद था, हमारी माँ को नहीं। लेकिन मैंने उस शख्स से शादी की जिसको मेरी माँ ने चुना और मुझे खुशी खुशी इस घर से रुखसत किया। खैर, रुखसत तो आप नहीं हुई थी, ये तो मैं भी जानती हूँ। अब सुन लिया ना तुम, यहाँ तुमसे कोई मिलना नहीं चाहता, इसलिए उठाओ अपना ये सारा सामान और चली जाओ यहाँ से, और आइंदा मत आना यहाँ पे। अरे अम्मी, आप ही ने तो मेरा तोहफा ठुकरा दिया, लेकिन आपके लिए एक बहुत खास तोहफा लेकर आई हूँ। आपको एक नया रिश्ता देने वाली हूँ। नानी बनने वाली हैं आप। रब्बा, रब्बा।